सांस चढ़ गई। बड़ी जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। बड़ी मुश्किल से ढूंढी और सांस चढ़ गई मुझे ढूंढते ढूंढते। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल माफी की। तो डिजिटल माफी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन माफी क्या होती है वो भी आपको बताता हूँ। पहले मैं शर्ट सीधी कर लूँ और साथ में थोड़ा सा अपने अंदर जज्बा लेकर आऊँ ताकि जो है वो तसल्ली से बात हो सके। थोड़ा सा आप मुझको आपको झेल लूंगा ये स्टिंग एनर्जी। सांस एकदम क्लासिक हो गई। मैं आज बात करने वाला हूँ मिनाहिल मलिक के वाले से। मिनाहिल मलिक ने अपने जो फैंस हैं और अपने जो चाहने वाले हैं उन सबसे माफ़ी मांग ली है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मुजरा करते वक्त नाचते वक्त उनको कोई मसला नहीं था, उनके वालिद साहब ने भी उनको कुछ नहीं कहा। और अभी वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ के पास मेरी इस तरह की तस्वीरें हैं वो डिलीट कर दें, मेरी वीडियोज डिलीट कर दें। मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक आ गया, ये झूठ बोल रही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये साथ आप वीडियो देख सकते हैं। वाह 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 क्या बात है। इसका मतलब होता है डिजिटल माफी, कि जो बंदा ऑनलाइन माफी आके मांग लेता बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है कि हाँ जी मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दें। अगर आपको इतना ही दुख है अपनी हरकत का या अपने काम का तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना टिकटॉक अकाउंट बैन करें, बंद कर दें और टिकटॉक पे आके लाइव अपने सब फैंस से आके माफी मांगे। लेकिन टिकटॉक पे उन्होंने जो काम पहले वो चालू कर रही थी, जिस तरह से लड़कों के साथ वीडियोज बना रही थी, वो वीडियोज उनकी वैसे की वैसे अभी तक आ रही है। उसमें कोई भी खलल नहीं पड़ा, ना इन्होंने ब्रेक किया ना ही कुछ किया, वो काम उन्होंने वैसे ही उठा के रखा हुआ है और अभी तक भी उनकी वीडियोज जो है वो प्रॉपर अपलोड हो रही हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मकसद यही होता है हमेशा कि मैं कोई नहीं हूँ कि उनके ऊपर मैं तनकीद करूँ या मैं उनके ऊपर जो है फतवा लगाऊँ कि ये है वो है। वो उनका पर्सनल मामला, चाहे वो अपनी हेडलाइट शो करवाएं, चाहे वो कुछ और शो करवाएं, चाहे वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर जाए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मेरे बात का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अपने बच्चों, अपनी बीवियों, अपनी बहनों बेटियों को सेव करना होगा टिकटॉक को बैन करवा के, क्योंकि जिस तरह आपका टिकटॉक पे मुजरा और जिस तरह की चीजें अपलोड हो रही हैं वो आपके लिए, हम सब के लिए परेशानी का बाइस बन सकती हैं। तो आप किस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में किन तरह से जरूर कहा कीजिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैंने सब्सक्राइब डिसाइड किया है कि जो भी सब्सक्राइब करेगा उसको ये मेरी तरफ से स्टिंग फ्री मिलेगी। तो अगर स्टिंग चाहिए तो लाल रंग के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।